राज्य सरकार के आदेश के बाद राज्य भर सहित जिले में शुरू हुई ब्रेक द चेन मुहिम तिग्रस शहर में पहले ही दिन उल्लंघन की भेंट चढ़ गई। वैसे भी सिलसिलेवार तरीके से जारी लॉकडाउन को लेकर लोगों में फैली निराशा खत्म भी नहीं हुई थी कि इस नए लॉकडाउन के सख्त निर्देशों ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। गौरतलब है कि बीते सप्ताह से होली, रंग पंचमी, गुड फ्राइडे आदि सरकारी छुट्टियां होने से सरकारी कार्यालय और बैंक बंद थे। ऐसे में मंगलवार को जैसे तैसे बैंक से जुड़े कामों को निपटाने आए लोगों की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने अच्छी खासी भीड़ देखी गई, जिसमें श्रावण बाल योजना के लाभार्थी भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। इसके अलावा ब्रेक द चेन मुहिम को अमल में लाने के लिए दिग्रस पुलिस ने रास्ते पे उतरकर शहर के विभिन्न इलाकों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर उनसे जुर्माना वसूल किया। इस बीच शहर के व्यापारियों ने नायब तहसीलदार संजय राठौर को ज्ञापन सौंपकर कथित लॉकडाउन के खिलाफ नाराजगी जताई। इस ज्ञापन में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य दुकानों और प्रतिष्ठानों को शुरू करने की अनुमति नहीं दिए जाने से संबंधित व्यापारी वर्ग ने रोष व्यक्त किया। इस ज्ञापन पर कपड़ा व्यापारी, टेलर, कटलरी दुकानदार आदि व्यापारियों के हस्ताक्षर है। बहरहाल लॉकडाउन के फैसले के बाद ब्रेक द चेन के माध्यम से जनता को कोरोना प्रकोप से बचाने की पहल भले ही सरकार का नैतिक दायित्व है, लेकिन इस लॉकडाउन में जारी सूचनाओं में किराना, सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर्स और दवाखानाओं के अलावा बाकी सभी व्यापारिक केंद्रों और प्रतिष्ठानों को बंद किए जाने से लोगों में बड़े पैमाने पर नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि इस लॉकडाउन का खामियाजा व्यापारी ही नहीं अन्य छोटे विक्रेता, मजदूर, पेशा लोग भी आर्थिक तंगी की मार झेल कर उठा रहे हैं। इस लॉकडाउन पर पुनर्विचार करने की मांग अब उठने लगी है। दिग्रस से BCN न्यूज के लिए सुबेर खान की रिपोर्ट।